हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम एंड जय हिंद। नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह से यही मैसेजेस आ रहे हैं, क्या नया साल ऐसा ही रहेगा? और 2023 में बहुत सारे गम झेले हम लोगों ने, बहुत सारे हार्ट अटैक देखे लोगों को होते हुए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। फाइनेंशियली फिर भी थोड़ा ठीक रहा 2023। और मेरी भविष्यवाणी क्या है, और आने वाला एक हफ्ता और दिसंबर का महीना, सॉरी जनवरी का महीना कुछ लोगों के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। हालांकि मैं ये प्रिडिक्शन जो मुझे नहीं बताना चाहिए, आज 1 तारीख है, लेकिन फिर भी शायद आपको आगाह करना, आपको थोड़ा सा चेताना मेरी जिम्मेदारी है एज ए डॉक्टर। ठीक है, ये मेरी सोच है और मेरा मानना है कि शायद कुछ चीज़ें बता के हम कुछ सचेत करके कुछ लोगों को बचा सकते हैं। देखो, 2023 के एंड में दो तरह के लोग होते हैं या तीन तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो सोचते हैं कि 2024 में हम अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देंगे, तो बड़े सारे रिजोल्यूशन पास कर लेते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जिम ज्वाइन करेंगे, बस अब दारू बंद, सुट्टा बंद, आज आखिरी दिन है, बस 2023 का आज पी लूँ, आज सुट्टे मार लूँ, कल से नहीं। तो एक तो इस तरह के लोग होते हैं जिनमें से हार्डली 10% ही उसको अचीव कर पाते हैं, 90% फिर वहीं आ जाते हैं। दूसरे वो लोग जिनको कोई मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ खाने पीने से मतलब होता है, और ये सबसे रिस्की लोग होते हैं। ये इनका होता है कि बस नया साल आ गया, 25 तारीख आ गई, क्रिसमस आ गया, तो अभी से ही 25 तारीख से ही वो मूड में आ जाते हैं, उनका खाना पीना दारू सुट्टे सब शुरू हो जाता है, और फिर वो निकल जाते हैं बाहर घूमने फिरने, फिर 2-4-5 दिन लगा के वापस आएंगे जब बच्चों की छुट्टियाँ होंगी। इनमें से सबको नहीं मैं बोलूँगी, सब ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे ही होंगे जिनको कोई मतलब नहीं है, जिनका मतलब है सिर्फ नया साल या छुट्टियाँ का मतलब ठंड, और ठंड का मतलब ठंड की ऐश, और उसका मतलब दारू सुट्टे और खाना बाहर का, ठीक है, और घूमना फिरना। ये दूसरे टाइप के। तीसरे टाइप के लोग वो हैं, और ये जो मैं दूसरे टाइप के लोग बताया, ज़्यादातर यंग मिडिल एज, 25 साल से लेके 35 साल, 40 साल के बीच के लोग, इवन 45 साल भी इसको मान लेता हूँ, ठीक है, ये वाले लोग हैं। तीसरे वो लोग हैं जो सीनियर सिटीजन है, या वो लोग जिनको अपनी हेल्थ की बहुत वो है, वो अपने घर में ही रहते हैं, वो बेचारे टीवी देख के, घर में रह के, रजाई में बैठ के, अपनों से फ़ोन पे बात करके, उनको वो करके, विश करके ही अपना नया साल मनाते हैं। मैं उनमें से ही हूँ, मैं उनमें से हूँ, और शुरू से ऐसे ही करता आ रहा हूँ, ठीक है। मेरे लिए नया साल सिर्फ एक नया साल होता है, जहाँ पे मैं ये सोचता हूँ कि हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने पिछले साल करी हैं, गलत थी, अब नहीं करनी चाहिए, सोचता हूँ, कोशिश भी करता हूँ, कितनी हो पाती है ये तो वक्त बताता है। लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूँ कि क्यों पहला हफ्ता, दिसंबर का पहला हफ्ता खतरनाक होने साबित हो जा रहा है, और पूरा दिसंबर नहीं, जनवरी का पहला हफ्ता खतरनाक साबित होने जा रहा है कुछ लोगों के लिए, और स्पेशली पूरा महीना ही जनवरी का खतरनाक होगा काफ़ी लोगों के लिए। उन लोगों को जिनका जिनके बारे में मैंने अभी बताया, उनके लिए सबसे ख़राब तारीख साबित होंगी 2 तारीख और 3 तारीख, 2 जनवरी और 3 जनवरी। कुछ लोगों के लिए नया साल 1 जनवरी भी ख़राब साबित हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम लोग नए साल पे डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। ये लगता है कि ये सोच है कि अगर आज जाऊंगा तो पूरे साल जाना पड़ेगा। सोच बहुत ख़राब है। अगर आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम हो रही है 1 तारीख को, और अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, उसका खामियाजा आपको 2-3-4 तारीख के आसपास बहुत बड़ा भुगतना पड़ सकता है, जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो इसलिए इस भूल में ना रहें कि आज 1 तारीख है, आज चला गया तो पूरे साल जाना पड़ेगा। ये सोचिए कि आज अगर आपने समझदारी से काम लिया तो शायद आपका डॉक्टर आपको बचा ले, नहीं तो आपका आने वाला कितना टाइम बर्बाद हो सकता है और ज़िंदगी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ये लोग आप नहीं सोचते, ये ऐश करने से पहले तो आप कभी नहीं सोचते। ये 30 दिसंबर, 31 दिसंबर को जो ऐश करते हो, आधी आधी रात को चिल्ला चिल्ला के, और दारू पी के, सुट्टे मार के, और गांजा चरस फूंक के, तब तो आप कभी नहीं सोचते कि आने वाला कल मेरा कैसा होगा। वो बस 2 पल की याद होती है, 2 पल में क्या क्या आप कर जाते हो आपको भी नहीं पता होता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1 तारीख पे लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ घर वाले लेके जाएंगे, अगर इमरजेंसी होगी तो मरीज खुद नहीं आएगा, पेशेंट खुद नहीं जाना चाहेगा 1 तारीख को, किसी तरीके से वो घर बैठ के ही अपना इलाज करेगा। लेकिन 2 और 3 तारीख सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होंगी, आप खुद देख लेना। पहला हफ्ता जनवरी का सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि जिसने 25 से 31 तारीख के बीच में ऐश करी होगी, उसके रिजल्ट उसको अब नजर आएंगे, स्पेशली हार्ट पेशेंट, स्पेशल क्लॉटिंग,
कुछ लोगों को पेट के इन्फेक्शन भी लगेंगे विंटर्स में। लेकिन मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, मेरा मकसद आपको अलर्ट करना है, ठीक है। डरिएगा मत, अपना ध्यान रखिएगा और ये सब चीज़ें दिमाग से निकाल दो कि पहले दिन अगर डॉक्टर के पहले दिन अगर हेल्थ पे ध्यान देते हो तो सोच के तो पूरे साल हेल्थ पे ध्यान देगा। मैं ये नहीं कह रहा मेरी क्लिनिक पे आ, ठीक है, मैं तो वैसे भी एक घंटे के लिए आया हूँ, मैं तो शायद अब चला जाऊँगा एक घंटे के बाद, मैं तो सिर्फ एक शगुन करने आया हूँ, और क्योंकि शगुन करना ज़रूरी था, क्लिनिक पे आना ज़रूरी था। और लेकिन ये महीना जनवरी का महीना, अगर आपको लगता है 2024 आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा साबित नहीं होगा। काफ़ी लोगों के लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड और ऐसी खबरें आएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते हो। फाइनेंशियली ये ईयर अच्छा साबित होगा ज़्यादातर लोगों के लिए, चुनाव पास में है, स्टॉक मार्केट अच्छी जा रही है, काम धंधे थोड़े बेटर होंगे, हमारी इकोनॉमी सुधर रही है, बाकी चीज़ें भी सुधरेंगी, तो फाइनेंशियली अच्छा होगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो कुछ लोग उसको गलत ढंग से उड़ाएंगे, कुछ लोग अपनी हेल्थ पे ज़्यादा बर्बाद करेंगे पैसा, अच्छी हेल्थ के लिए इन्वेस्ट करेंगे और ख़राब हेल्थ पे बर्बाद करेंगे खा पी के और मज़े ले लेके। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ज़िंदगी आपकी अपनी है, आपके हाथ में है, नया साल कैसा होगा ये सब आपके हाथ में है। कुछ अभागे होंगे जो बेचारे, और ऐसे अभागे हर रोज मिलते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया होता फिर भी दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दें। देखो जी, वो तो कुछ खाता पीता नहीं था, वो चला गया, और आप तो डॉक्टर साहब आप तो ये चाहते हो कि बंदा ऐश भी ना करे, बंदा कुछ खाए पिए ना, ऐसा थोड़ी होता है डॉक्टर साहब, ज़िंदगी ऐसे थोड़ी चलती है भाई। पहले अपनी हेल्थ बना, उसके बाद ऐश कर, उस लायक तो बन। चलिए, ज़िंदगी आपकी, हेल्थ आपकी, सब कुछ आपका, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो आता रहूँगा इसी तरह से बकवास करने के लिए, आपको सचेत करने के लिए, आपको डराने के लिए, लेकिन अगर डरने के बाद भी आपके बाल बाका नहीं होता, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे क्या घंटा फ़र्क पड़ेगा, मैं तो आऊँगा यहाँ बक बक करके चला जाऊँगा, बस मेरा काम है इलाज करना, और डॉक्टर की चांदी कटने वाली है इस साल और इस महीने। थैंक यू, जो समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। चांद खिला और तारे हंसे, रात गजब मतवाली है। चलिए, नए साल पे इतना ही बोलूँगा। क्या खुशियाँ ही खुशियाँ हों दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए, ऐसे मुबारक। जी हाँ, ऐसे मुबारक पल पे इतनी ख़राब बातें मत बोलो डॉक्टर कारा, आप हमेशा नेगेटिव बातें करते हो। मैं नेगेटिव नहीं बोलता हूँ यार, मैं सच बताता हूँ, बस जिसको नेगेटिव लगे नेगेटिव लगे, जिसको पॉजिटिव लगे पॉजिटिव लगे। अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दो, अपनी बॉडी पे ध्यान दो, क्योंकि शरीर तेरा है और लाइफ में एक ही बार ये वक्त शरीर मिलता है, और तुम बहुत लकी हो अगर तुम्हारे चारों हाथ पैर हिल रहे हैं, तुम चल फिर पा रहे हो, तुम बहुत लकी हो, बाकी सब दुख अलग हैं। अगर तुम काम कर रहे हो, फिजिकली ठीक हो, तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो भाई ये जो करोड़ों रुपए कमाए ना, ये तेरे सामने पड़े रह जाएंगे और तू चला जाएगा इस दुनिया से।